शेर, चीते, बिल्ली, ये सभी बिल्ली प्रजाति के होते हैं। इनको इंग्लिश में बोला जाता है कि ये फीलाइन हैं। मतलब जितने भी बिल्ली की तरह दिखने वाले जीव हैं, उन सबको एक कैटेगरी में रखा गया है। उस कैटेगरी को बोलते हैं फीलाइन। जैसे सभी तरह के कुत्तों की जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं कैनाइन। इन सभी फीलाइन को उनके शरीर और आकृति के हिसाब से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पहला हमने लिया है लायन, जिसे हिंदी में शेर या सिंह बोलते हैं। शेर के जो बच्चा होता है उसको शावक बोलते हैं, कब इंग्लिश में। और शेरनी जो होती है उसको लाइनस बोला जाता है। शेर का शरीर शेरनी से बड़ा होता है, इसको इंग्लिश में सेक्सुअली डाइमॉर्फिक बोला जाता है। शेर लगभग 190 किलो तक के पाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई लगभग 4 फीट तक देखी गई है। तेंदुआ, चीता, जैगुआर, ये तीन भी होते हैं। इनमें डिफरेंस शरीर का तो होता ही है, बनावट थोड़ी बहुत अलग होती है, वजन अलग अलग होता ही है, लेकिन जो शरीर पे स्पॉट होते हैं, चित्तियाँ होती हैं, उनकी डिज़ाइन में भी फ़र्क होता है। चीता जो होता है उसके गोल गोल स्पॉट होता है। फिर लेपर्ड जो होता है उसके जो स्पॉट होते हैं वो थोड़ा तितरे बितरे होते हैं। उसके बाद जैगुआर होता है, इसके शरीर पे जो शेप पाया जाता है वो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कोई फूल बना हो। तो इस तरह से इनके शरीर की बनावट और इनके शरीर पे पाए जाने वाले चित्रों या स्पॉट के आधार पे इनको अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए, होते दो ही हैं, एक लायन होता है, एक लेपर्ड होता है। और फिर लेपर्ड को भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, उनके शरीर और उनकी खाल पे जो बनावट होती हैं उनके आधार पे उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। उनमें से पहला नाम है हंटिंग लेपर्ड बोलते हैं, या उसको बोलते हैं चीता। तो इसकी अभी हम लोग देखे ही थे, इसके जो शरीर पे स्पॉट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और ब्लैक स्पॉट होते हैं। ये जो है लगभग 3 फीट लंबा होता है और इसका जो वेट होता है वो 72 किलो तक देखा गया है। अब देखते हैं लेपर्ड को। तेंदुआ, ये अफ्रीका या दक्षिण एशिया में पाया जाता है। इसके जो शरीर के धब्बे होते हैं ये केवल गोल गोल स्पॉट नहीं होते चीते की तरह, हल्के फुल्के इधर उधर आड़ी तिरछी आकृति भी बनाते हैं। मतलब जिस तरह जैगुआर के जो स्पॉट होते हैं वो एकदम फूल जैसे दिखते हैं, उतना सुंदर फूल तो नहीं बना पाते इसके जो स्पॉट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ उसी तरह फूल की जैसे लगते हैं, हल्का हल्का राउंड शेप में रहते हैं। इनका वजन जो है 72 किलो तक देखा गया है और ये लगभग 2.29 फीट तक ऊंचाई के होते हैं। अब देखते हैं जैगुआर को। अमेरिका के मध्य और दक्षिण में पाया जाता है ये, और तेंदुए जैसा ही होता है, बस फ़र्क क्या होता है वही जो हम लोगों ने अभी देखा था कि इसके जो पैटर्न होता है इसकी खाल पे जो स्पॉट होते हैं वो एकदम ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई फूल छपा हुआ हो। भारत में भी इस तरह की एक प्रजाति पाई जाती है तेंदुए की, जो उत्तराखंड और हिमाचल के आसपास पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे मतलब भारत में उसको बोला जाता है गुलदार। गुल मतलब होता है फूल, तो उसी पे उसका नाम पड़ गया है, क्योंकि उसके जो चित्तियाँ होती हैं वो फूल की तरह दिखती हैं, तो वहाँ के लोग जो है उसको गुलदार बोलते हैं। ये देखिए, मैंने एक पिक लोड की है, इसके चित्तियाँ देखें कितनी खूबसूरत हैं, एकदम लग रहा है जैसे फूल छपे हुए हों। तो है ये तेंदुआ ही, बस इसका शरीर हल्का फुल्का अलग बनावट का रहता है और इसके जो शरीर पे पैटर्न बने होते हैं वो फूल की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसको इंडिया में गुलदार बोलते हैं और अमेरिका में जैगुआर बोलते हैं। इसके बाद देखिए आता है ब्लैक लेपर्ड, इसको पैंथर भी बोलते हैं, प्यूमा भी बोलते हैं। इस पे भी जो है
चित्तियाँ वगैरह होती हैं, लेकिन इसका जो काली चित्तियों के अलावा का एरिया होता है वो भी इतना काला रहता है कि दूर से देखने पे लगता है कि जो है पूरा ब्लैक है। इसको जो है पैंथर बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे काला तेंदुआ। अब आते हैं अपने राष्ट्रीय पशु बाघ पर। बाघ जो है बिल्लियों की प्रजाति का सबसे बड़ा एनिमल होता है। इसकी लंबाई लगभग 4 फीट तक चली जाती है और वज़न 310 किलो का होता है। ये बहुत ही ताकतवर होता है और इसमें अपार शक्ति होती है। ये बहुत ही फुर्तीला होता है, इसी कारण इसे भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में गौरवान्वित किया गया है। इसके शरीर पर गहरी काले रंग की धारीदार पट्टियाँ होती हैं जो देखने में बहुत ही मनोरम होती हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर लोग दूर दूर से विदेशों से आते हैं और इनकी तस्वीर लेते हैं। इसे राजसी बाघ या रॉयल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो इसलिए रॉयल बंगाल टाइगर भी बोलते हैं। अंत में आती है कूगर। ये एक तरह की बड़ी बिल्ली ही होती है। इसको पहाड़ी बिलाव बोलते हैं। ये लगभग 100 किलो की और 3 फीट ऊंचाई की होती है। ये जो है पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में, मतलब वही अमेरिका अमेरिका की साइड, बहुत ही ज़्यादा संख्या में देखी जाती है। इसको माउंटेन लायन, कैटामाउंट या कभी कभी प्यूमा या पैंथर भी बोल दिया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।